जालौन में जाके आपने परवरजीत गोरा जालौन में जाके आपने बिछे लिया। अच्छा हमारे परवरजीत गुरु प्रथम जो हमको श्राम मेर की दीक्षा दिए थे, प्रथम शिवर डाले थे बदन पे, उनका नाम आनंद देव और वो संघ नायक थे अखिल भारतीय विश्व महासंघ के। मेन मंदिर महापरिनिर्वाण मंदिर जाने का रास्ता इधर है तो आप जा रहे हैं। ये लगा वियतनाम के लोग भी बहुत है इधर। ये देखिए पुरातत्विक विभाग का नीचे है और उत्खनन करके लुम्बिनी जैसा है। इधर भी है स्पोर्ट, तो मेरे हिसाब से वियतनाम के लोग है इधर में। हम पूछेंगे तो बात करेंगे तो पता चल जाएगा तो किस देश के है। ये रहा भगनाशेष। विच कंट्री व्हाट कंट्री है? यस द बॉर्डर ऑफ इंडिया। बॉर्डर ऑफ इंडिया म्यांमार एंड नेपाल। बॉर्डर ऑफ इंडिया व्हिच कंट्री ब्रदर? व्हिच कंट्री दे आर फ्रॉम? नो कंट्री नो। बॉर्डर ये लोग सब है वियतनाम से है, ऐसे टोपी लगाते हैं ये सब। अभी साफ सफाई चल रहा है, ये पैसे मांग रही है साफ सफाई करने वाले के। ये रहा अंदर का स्तूप एंड निर्वाण प्लेस है इधर। जी इधर खोलना पड़ेगा चप्पल स्लीपर वगैरह। फूल इधर है सब फल का है शायद। ये कुशीनगर है ना? कुशीनगर के बारे में कुछ बोल सकते हैं आप? अभी नहीं। जहाँ बुद्ध ने अपना देह त्याग किया था ये प्लेस जहाँ निर्वाण प्राप्त किए थे वही है। तो ये रहा प्राचीन उत्खनन। पुरातात्विक विभाग से ये उत्खनन किया गया है जैसे सारनाथ में भी। तो उन लोगों जो वो है हमने पूछ लिया था वो वियतनाम के है। तो इस यही जगह है कि नहीं जिस कुशीनगर में निर्माण प्राप्त हुए थे वही जगह किधर है वो अभी घूमने जा रहे हैं तो कहाँ है आपको भी बता देंगे। ये दरबार वगैरह कुछ इधर है, उपदेश देने की जगह हो सकता है। इधर लिखा है भारतीय सरकार से इधर कुछ लिखा है। स्मारक हमारी संपत्ति है। ये स्लीपिंग बुद्ध का है टेम्पल। हाँ ये इसके अंदर है। तो स्कूल से आ रहे हैं तो कौन से स्कूल से आ रहे हैं आप? कौन सा स्कूल? रानवती देवी कन्या इंटर कॉलेज है ये? नहीं। किधर कितनी दूर? गोरखपुर। तो गोरखपुर से आए हैं घूमने के लिए। आप टीचर है? नहीं हम टीचर स्टूडेंट है। गोरखपुर से इधर घूमने के लिए पहली बार है? यस। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। और किधर किधर घूमेंगे आप? रामकोला भी जाएंगे, नौका विहार भी जाएंगे। रामकोला किधर है? इसी जगह है? यस। क्या है रामकोला में? रामकोला में अभी जा रहे हैं, देखे नहीं है। यूट्यूब में देखकर आए रामकोला? ओके। ये आगे का जो मंदिर हमारी पिट्ठियों पर देख रहा है वो यहाँ बौद्ध गया के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। जहाँ बौद्ध ने अंतिम श्वास लिया था वही जगह पर गौतम बुद्ध एक अपने ओन साइड लेकर
सुहा है देखता है हम लोग, क्योंकि गौतम बुद्ध ऐसे हैं कि वो किसी को तकलीफ देना अहिंसावादी थे, वो इसलिए वो अपने जो जो सोते के समय भी एक ही तरह से सोते हैं। इसी तरह जो इस वक्त यहाँ जो उनके समय अंतिम श्वास लेने का समय था, जब वो निधन हो गया दूसरी भाषा में, वो उसका वैसन पोजिशन था। इसलिए ये मंदिर में जो ये मंदिर है इसके भीतर उनका वही सब रखा हुआ है, वो मेटल से बना हुआ सब है। ऐसे तो सब बड़े बड़े आदमी को और रक्षा में उसका रखता है, चाइना में भी रखा है बड़े बड़े आदमी को, लेकिन उस समय ऐसे था ये मेटल बना के उसमें रख दिया है। यहाँ से बुद्ध को थोड़ा सा दूर जब अब हम जाएंगे, वहाँ बुद्ध को लेकर उनका जो शिष्य थे उन्हें ले जाकर दाह संस्कार किया था, उस जगह पर जाकर हम फिर आप और हम मिलेंगे। थैंक यू। अब हम एक बार विश करके हर जगह लिखना पड़ता है, तो नेम फोन नंबर सब लिखे आई नहीं। ये म्यांमार का बुद्धिस्ट टेम्पल है, इधर मंत्र उच्चारण किया हुआ है तो हमारा आवाज़ नहीं आ सकते, आप विजुअल देख सकते हैं कुछ कार्यक्रम हो रहा है इधर, खाने पीने का स्टॉल भी है। बहुत ही अच्छा, देखिए बहुत ही बढ़िया दिखाई। इधर बुक्स मिलता है अंबेडकर की भी, ज्यादा संविधान सभा का सफर, हरित क्रांति के कुछ पहलू, इधर अंबेडकर बाबा होते आज अगर तो सब पिता भी, इधर महान सम्राट अशोक का भी है, आप खरीद सकते हैं इधर से। हिस्ट्री को आज कुछ जानना है तो बुद्ध का किताब भी आगे। इस्तीफा उधर बम्बई मुंबई में भी है तो मैं ज़्यादा सब देखने नहीं पाया। मैं भी ये ताइवान टाइप का है शायद, बुझना पड़ेगा। ये म्यांमार और आप कह सकते हैं बर्मा, बर्मा का ये पैर क्या बोलते हैं स्तूप, शांति बनाए रखे स्तूप है। आप फोटो खींचते कैसे देते हैं? 20 रुपए कॉपी है, तुरंत मिल जाएगा, यही प्रिंट होकर मिल जाएगा। कितना साइज का है वो? ये 4x5x6 का है। यही है साइज? हाँ हाँ, ये तुरंत प्रिंट कर देंगे। कितना? 20 रुपए। 20 रुपए इसको 20 रुपए लगेगा जी। ठीक है, आप का नाम क्या है? विकास कुमार। ये जगह का नाम? ये वर्मा मंदिर है, कुशीनगर स्थल है। वर्मा वर्मा स्तूप, वर्मा स्तूप के आगे है, भाई है तो भाई के साथ मेमोरी के लिए कैमरे फोटो खींच सकते हैं। निरंतर भाई यहीं रहते हैं। थैंक यू भाई। तो अभी हम वर्मा और म्यांमार के बनाया हुआ स्तूप और क्या बोलते हैं इसको, उसी में है तो बुद्ध का शिष्य है उधर साइड में, तो ऐसा है यह मंदिर। बुद्ध का शिष्य है जो ऐसे दान पात्र लेते हैं तो खाने के लिए। इधर बुद्ध बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम कुशीनगर में है, पीछे बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर कहते हैं हमारे पीछे, और उस
राइट साइड में बर्मीज पैगोड़ा है, वो देख रहे हैं, जैसे उधर का येलो कलर में दिख रहा है ना, वो दोनों देख बर्मीज रही बर्मीज, वो दोनों देख के हम आ गए। अब इधर एक गिरे और दूसरा क्या है कुशीनगर में, वही दिखा देते हैं। और हमारे हमने उधर बनारस का जो सारनाथ कवर किया है और बोधगया भी कवर किया है, आप हमारे दूसरी वीडियो देख सकते हैं। सारनाथ में गए तो वो बोधगया में, बोधगया में थोड़ा देखे हैं तो स्कूल से लोग विजिट करते हैं। कौन से स्कूल से आप? कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से 70 किलोमीटर लगता है बस। ये बच्चों कितने क्लास तक का? 8 तक का आज ले आए। कितने आदमी आए अभी? अभी हम लोग हैं 80। तो ये टूर है बच्चों को हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री को जानना चाहिए। आप टीचर है, आपका शुभ नाम? मुना कुमार यादव। ठीक बा, सनराइज स्कूल बोले? अंग्रेजी स्कूल में फतेहपुर गोपालगंज। अंग्रेज गोपालगंज से? हाँ गोपालगंज। हम भी सुबह गोपालगंज से आए हैं। ठीक है, थैंक यू। कितना है जीप का राइड का भाई? कितना है? 50 रुपये बच्चों के लिए है जी, हमको नहीं। 50 रुपये में राइड कर सकते हैं कुशीनगर। ये कौन सा है, क्या है? कृष्णा नौका बिहार है। ये नौका बिहार है। स्तूप किधर है? आगे है, यही है साथ में, क्या दिखाई दे रहा है? यही है। ओ पीछे से आए हम। ठीक है, जाएंगे। किधर से आए आप? यहीं रहते हैं, यहीं का लोकल है। तो क्या व्यवसाय करते हैं, कुछ करते हैं कि ऐसे ही चलते आए? ऐसे चलते हैं, पढ़ते हैं अभी। अभी स्टूडेंट है, किधर पढ़ते हैं? आटा श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय आटा कृष्ण महाविद्यालय। कौन से विषय पे पढ़ते हैं? संस्कृत। आप संस्कृत पढ़ते हैं? ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, कौन सी? उत्तर मध्यमा चल रहा है अभी। ये रखिए मेरा कार्ड, MSB ब्लॉग, इसमें देख सकते हैं। हम ट्रैवल ब्लॉगर है तो बोध गया से बनारस से है। थैंक यू। अभी हम कहाँ आ रहे हैं? अभी हम ये बुद्ध के जहाँ नौका बिहार लेने के बाद जला दिया वाला जगह था, इससे थोड़ा सा उधर है वो जगह, वही जगह के इधर है उस साइड में उनका तो दफनाने वाला जगह है। ये तो कृत्रिम मानव निर्मित एक पार्क है, उसमें नदी नौका बिहार बोलते हैं हिंदी में। नौका बिहार पार्क वही देखने के लिए सुंदर ठाव बना दिए हैं। नौका बिहार बोटिंग, अभी कोई बोटिंग नहीं कर रहा है तो बोटिंग कर सकता है कि नहीं, चलिए उधर ही चलते हैं, है ना। तो नौका बिहार से थोड़ा आगे आ गए, ये रहा बुद्ध का जो परिनिर्माण प्राप्त किए थे वही है। इधर पार्क है, बच्चे लोग आते हैं, स्कूल के ज़्यादा लोग आते हैं। रेट बैठने की अच्छा जगह है, पेड़ों के अंदर थोड़े अंबेडकर। हाँ ये लोग पैसे दे रहे हैं कंबोडिया के, तो पैसे के लिए ऐसे आते हैं। नो नो नो, पैसा बांटे को सब दगड़ते पैसे लेना आएगा, अगर पैसा दिन पर विचार कर दिन पड़ते हैं। और दूसरे पुलिस का फोटो खींच रहे हैं वो मैन मार के। ये बसें आए थे, ये ग्रुप में आते हैं। जो
बुद्ध भगवान ने जब अंतिम में महानिर्वाण प्राप्त किया उसके बाद उसके अवशेष को उसके शरीर को जलाने के बाद उसका अस्तु ले आके यहाँ स्थापना करके इस स्तूप को बनाया गया है। इस बुद्ध के परिनिर्वाण का समझना के हेतु बनाया गया स्तूप है। ये उस समय ही बना था और इस रूप में था या नहीं था, लेकिन अब संरक्षित होके रहा है। नहीं, धन्यवाद। अगर कुछ भाई लोग मिले तो यहीं से। आप सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं क्या? जी बिल्कुल। कॉलेज में? हाँ कॉलेज है। तो कुशीनगर में है तो और कौन कौन सी जगह है देखने के लिए? बहुत काफ़ी जगह है। प्राचीन बुद्धा भी है, जैसे टेंपल भी है, चाइनीज टेंपल है। हाँ। काफ़ी तमाम मंदिर है। पैगड़ा बर्निज टेंपल तो हम जा चुके आए हैं, परिनिर्वाण टेंपल भी गए हैं, और ये रामा क्या बोलते हैं, रामाबार स्तूप अभी है। ये तीन देख लिया है और कुछ है? हाँ जी, लिंसन भी है, चाइना मंदिर भी है। हाँ चाइना मंदिर, मंदिर टेंपल है वो जो आगे यहाँ से 200 मीटर आगे 200 मीटर उधर है। देखिए बर्मा मंदिर की साइड थाई मंदिर। और काफ़ी मंदिर है लेकिन जो नाम अभी याद नहीं आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये रहा बुद्ध का जो सेरेमेंटेशन प्लेस है, जो दाह संस्कार किया गया है वही प्लेस है, इसको रामा भार स्तूप कहते हैं इधर। तो वही देख कर आए हम, विपासना मेडिटेशन सेंटर इधर किसी ने का 6 किलोमीटर आगे दिखा है। इधर ऐसा है, खाने का जगह इधर है, तो हम देख रहे हैं इधर क्या खाएंगे पियेंगे। तो अभी रामा भार स्तूप और बुद्ध का जो सेरेमेंटेशन है, दास संस्कार किया गया स्थल आना जाता है वही कहता है। उधर भी जो नोटिस लिखा है वहाँ से हम निकल गए, तो अब कुशीनगर गेट की तरफ जाएंगे, कुछ खाएंगे उधर। इधर खाने के अच्छी जगह ये नहीं है, तो हम खाली खाने चाहते हैं। तो आप उधर का ही है, इधर ही आपका जन्म हुआ है, इधर से ही है लोकल। कब से ये चला रहे हैं? ये साल वैसे अपना लॉकडाउन हुआ तब से चला है। लॉकडाउन के बाद उसके पहले ट्रक चला था, तो उसके पहले ट्रक चला था, ट्रक लॉन्ग रूट चलता था, लॉन्ग रूट में। बढ़िया है बढ़िया है। कितने वर्ष चलाया ट्रक? 17 साल ट्रक चलाया है ना। ऑल इंडिया जाते हैं पूरा, कन्याकुमारी से लेकर पूरा दिल्ली घोड़ी से लेकर सारा पूरा। कितना है आपका बेटी बेटियां? कितना है? हाँ जी बच्चे बच्ची? बच्चे वाले 3 है। 3 लड़का लड़की? सब लड़का नहीं, सब लड़के हैं, लड़की नहीं। सबका ब्याह हुआ गया? नहीं, अभी एक को MBBS करके MD करा रहा हूँ, बाकी 2 को शादी कर चुका हूँ। ये खुद का है या आप किराए का है? नहीं अपना, जैसे अभी 1 महीना हुआ, लड़के को कहीं भेजा हूँ, पैसा लग गया था काफ़ी 1.5 लाख रुपया, तो अपनी गाड़ी बेच करके अभी 1 महीने स्क्रैप चला रहा हूँ। ठीक है ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ढाड़ा यहाँ से 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर एक शुगर का मिल है, अभी भी चल रहा है? हाँ अभी भी चल रहा है। ये लोग शुगर कैन, ये गेहूँ गन्ना, हाँ ये गन्ने का पूरा वहाँ जाता है। तो कितने से जाता है किलो के हिसाब से? 1 क्विंटल के हिसाब से जाता है ना? 1 क्विंटल के हिसाब से जो है कि 60 या 70 रुपया क्विंटल जाता है किलो का, वही पड़ता है। और राइस इधर का मेन है ना? राइस का भी जाता है वही 30-40 रुपया क्विंटल जाता है, और बाकी इधर ये कुछ नहीं है, सब बेरोजगारी में अपना। अभी ऑक्सीजन जैसा लग रहा है तो ज़्यादा टूरिस्ट विदेशी लोग नहीं रहे, कब आते हैं इधर विदेशी लोग ज़्यादा? पुलिस लोग विदेशी तो विदेशी लोग पूरे पहले लॉकडाउन में पूरा बना, लेकिन अब जो है कि ज़्यादा ये जो है महीना जो चल रहा है रामा या ब्रामा, जनवरी फरवरी तक पूरे चलेगी जोड़ों पे जोर जोर के। दिसंबर से आते हैं सुना है, दिसंबर जनवरी से सब लोग आते हैं बस से। हाँ घूमने विदेशी लोग। हाँ जी ठीक है। एयरपोर्ट से आ करके गया या कहीं उधर जाते हैं, वहाँ से फिर बस करके यहाँ या बनारस उतरते हैं, वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। ये अभी हम कुशीनगर के स्ट्रीट में है, आप दिखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ कुशीनगर का स्ट्रीट, दिखा रहा हूँ आगे का। ये देखिए